10 नवंबर को उपचुनाव के नतीजे आएंगे, लेकिन नतीजे आने के पहले कांग्रेस ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली है। इसीलिए कांग्रेस ने अभी से ईवीएम पर दोष मढ़ना शुरू कर दिया है। ये बयान नगरी प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने दिया है। देखिए, एक तरफ तो उन्होंने ईवीएम पे आरोप लगाना शुरू कर दिया है, प्रशासन पर आरोप लगाना शुरू कर दिया है, तो इससे ये लगता है कि वो अपनी पराजय स्वीकार कर चुके हैं, क्योंकि जिसकी पराजय होती है तो वो हमेशा ईवीएम पे, प्रशासन पे, आयोग पे आरोप लगाता है, और आरोप लगाना शुरू कर दिया इसका मतलब परिणाम उनको पता है, और परिणाम 10 को आ जाएंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। भोपाल से ईएमएस टीवी के लिए वीडियो जर्नलिस्ट देवेंद्र मालिक के साथ हेमंत मालिक की रिपोर्ट।